तो हेलो गाइस, वेलकम बैक जैसमिन ब्लॉग। आई होप यू आर फाइन। यहाँ पर मैं अच्छी हूँ और अभी मैं लेके चल रही हूँ आपको बूंदी, क्योंकि वहाँ पर है ना मेला भरा हुआ है हुसैन पीर का, तो बस वहीं पर जा रहे हैं हम सब। तो चलते हैं, एकदम ही प्लान बन गया, तो ब्लॉग को पूरा देखना। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं। और अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे है ना बैग भी उठाने, ताला भी लगाना, नहीं तो चिल्लाने लग जाएंगे कि कार रह गई, मेरी रह गई बाकी। चलते हैं। आगे जाइए लियाना और एली सुल्तान साहब, वीडियो आगे पहुंच जाओ, मत कर ही लियाना, जा रहे। तो आप सब मुझसे पूछोगे कि ये कौन है, मैं आपको बता दूं, जो बीच में बैठी हुई है ना वो मेरी ननद है, पास में बैठी हुई जो मेरी सास है, और उनके पास में जो बैठे हुए उनके हस्बैंड है, और बाकी उनके बच्चे हैं तीनों और मेरे बच्चे हैं। तो यहाँ पर कचौरी समोसे लेके आ गए थे इसकी डैडी, तो बहुत खा रहे हैं। और मेरे ससुर जो हैं वो आगे वाली सीट पर बैठे हैं, तो हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं बिस्तर वगैरह लगा के, एकदम फर्स्ट क्लास में हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं बूंदी। बूंदी में ही वहाँ फातिया लगेगी, फिर उसके बाद में हम खाएँगे दाल बाटी चूरमा और फिर थोड़ा बहुत चाय पियेंगे। तो फाइनली वी आर रीच इन बूंदी, और बूंदी में आके 10-12 किलोमीटर दूर है बूंदी से भी है, तो वहाँ पर पहाड़ पे ना बिल्कुल ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ का वेदर देखा कितनी ज़्यादा ओस हो रही थी, कितनी ज़्यादा धुंध हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी लग रहा था कि जैसे बारिश होने वाली। अब हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, मेरी तो हिम्मत ही, मेरे को तो उल्टियाँ लास्ट में जाते वक्त है ना उल्टियाँ चालू हो गई थी, चक्कर आ गए थे बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला, मुझे चढ़ा नहीं जा रहा था, फिर भी मैं हिम्मत करके चढ़ गई। फिर सलाम करा हमने, फिर है ना जो वो खतेबड़े लेके गए थे उस पर फातिया लगी, फिर नीचे उतरे। हम अंधेरा हो चुका था जब हम नीचे उतरे, क्योंकि हम है ना बहुत टाइम बाद गए हैं, क्योंकि हम इतना लंबा नहीं चलते ना आजकल, तो आदत नहीं रही, तो इस चक्कर में पहले जाते थे तो चढ़ जाते थे आराम से, और अब बिल्कुल ही पैर वहाँ से आई तो इतने ज़्यादा पैर दुखे जिसकी कोई याद नहीं है। पहले ऊपर चढ़ते हैं फिर बात करते हैं। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे तो इतने फटाफट चढ़ रहे थे ना जिसकी कोई हद नहीं है, और मेरी ननद के बच्चे भी बहुत जल्दी जल्दी चढ़ गए थे, और हम ही तो जो सबसे पीछे रह गए थे, ये देखो साथ साथ चल। तो अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं, वहाँ का जो है ना झंडा दिख रहा होगा आपको, और मैं ऊपर से व्यू बताती हूँ। ये देखो मैं आ रही हूँ ना यहाँ पर, बस पहुंच गया, बस ने शूज़ रिमूव करेंगे बाहर, फिर अंदर पहुंच जाएंगे, क्योंकि बस थोड़ा सा और बाकी। इसकी डैडी तो पहुंच गए, दोनों ने शूट किया है कैमरे से, और हाई कर रही है अलवीन यहाँ पर। तो बस ये देखो ऊपर का, ऊपर से तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है, नीचे तो देखने में चक्कर आ जाएंगे और सर दुखेगा, और है ना बहुत ज़्यादा धुंध छा रही थी इस वजह से ज़्यादा क्लियर दिखा नहीं, तो बहुत ज़्यादा गहरा है नीचे। और ये रही दरगाह जहाँ पर फातिया लगेगी यहाँ पर, तो बहुत सारी मन्नत मांगते हैं लोग यहाँ पर और दुआ करते हैं आके यहाँ पर।
मैं ये ट्राई करने वाली हूँ अब। मैं जोटर में दीवी क्यूट सी प्यारी प्यारी इधर देखो, दोनों 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 इधर देखो, दोनों इधर देखो। तो बस हम घर के लिए निकल चुके हैं, घर पहुँच ही चुके हैं। मतलब क्या, रास्ते में मैंने है ना यहीं से वीडियो ले रही थी क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कोटम बहुत ही अच्छी तरीके से सजा दिया गया है, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लगा दी गई है। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, मैंने सोचा ये तो रिकॉर्ड करना बनता ही है क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था कैमरे से और भी ज़्यादा। देखो कितनी अच्छी लाइटिंग लग रही है, बहुत ही अच्छी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, जाते जाते मैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, हर बार बोलती हूँ। अगर हो सके तो अपने व्हाट्सएप पे भी शेयर करना। ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और व्लॉग पूरा देख लेना, और ये भी देखना कोटा में क्या क्या कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। तो आप इंजॉय करें। Even if we